पाकिस्तान ने अब अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स की एक और खेप खरीदने की पहल तेज की है। पाकिस्तान के US स्टेट डिपार्टमेंट से F-16 की डील पर बातचीत हुई तो पिछले महीने ही पाकिस्तान के F-16 अपग्रेडेशन पर भी बाइडेन प्रशासन की मंजूरी मिली थी। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की बड़ी साजिश सामने आई है। पाकिस्तान को चीन से लेशी गाइडेड बम मिले हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने JF-17 फाइटर जेट से लेशी गाइडेड बम दागने का टेस्ट भी किया है। पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट के साथ गाइडेड बम की मारक क्षमता को डेडली कॉम्बिनेशन बताया है। डिफॉल्टर पाकिस्तान अब 43 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज चुकाने की हालत में नहीं, तो कंगाल पाकिस्तान के सोवरन कर्ज का बीमा करने की लागत 13 साल का हाई लेवल क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान की इन हरकतों से विदेशी निवेशकों के $1 बिलियन डूब सकते हैं। पाकिस्तान में सियासी घमासान तेज है। अब इमरान खान ने 28 अक्टूबर से आजादी मार्च का ऐलान किया है। इमरान खान की अगुवाई में PTI कार्यकर्ता लाहौर से इस्लामाबाद तक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इमरान खान ने इस हल्ला बोल से हिंसा की आशंका जताई है। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है। कंगाल पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ 1 नवंबर को चीन का दौरा करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि PM शहबाज CPC की मीटिंग के बाद चीन का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता होंगे। PM शहबाज का दौरा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी का सबूत है। जर्मन सांसदों के ताइवान टूर से चीन भड़का हुआ है। चीन ने धमकी देते हुए कहा है कि जर्मनी को ताइवान के साथ तुरंत बातचीत बंद करनी होगी। ताइवान को लेकर जर्मन सांसदों के बयान पर भी चीन ने कड़ा विरोध जताया है। जर्मन सांसदों ने चीन ताइवान संबंधों में शांतिपूर्ण बदलाव पर जोर दिया है। ताइवान पर हमले की तैयारियों में जुटा चीन तेजी से ड्रोन ब्रिगेड की ताकत बढ़ा रहा है। चीन ने अब नए स्कॉर्पियन डी ड्रोन का फ्लाइट टेस्ट किया है। सिचुआन में स्कॉर्पियन डी ने पहली फ्लाइट पूरी की है। चीन ने दावा किया है कि नए ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को खोजकर ध्वस्त करने में सक्षम है। चीन में हुई CCP की बैठक का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हु जिनताओ की बेइज्जती का पूरा सच दिखाई दिया है। तानाशाह जिनपिंग के आदेश के बाद जिनताओ को CCP की बैठक से जबरन बाहर किया गया, तो जिनताओ के पास मौजूद रेड फाइल छीनी गई। तो चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक जिनताओ की तबीयत खराब थी। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार हुआ है। फरवरी से अब तक चीन को $50 बिलियन का एनर्जी एक्सपोर्ट किया गया है। ब्लूमबर्ग का दावा है कि सिर्फ कोल एक्सपोर्ट 9 लाख टन से बढ़कर 25 लाख टन पर पहुंच गया। चीन ने रूस से $7.5 बिलियन की एनर्जी खरीदी है।